थारा भाई अजीत सिंह आज ऐसी वीडियो बनाएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। थारा भाई अजीत सिंह ओ तेरी बहन की लग छपरी यूट्यूबर आ गया। अरे भाई क्या बोले जा रहा है तू, और तू हमें छपरी यूट्यूबर कैसे बोल सकता है? ऐसा क्या देख लिया तूने हमारे अंदर जो हमें छपरी यूट्यूबर बोल रहा है? जोर से ऐसी खला तुम्हारी जो रोस्ट मार रहे हो जोगिंदर की वीडियो के, खजूर जैसी, किसी का मुंह दबा पड़ा अंदर, किसी के बालों में करंट लग रहा है, कोई चश्मा पहनता है। कैसी लगी आगे स्वाद? हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे विचित्र प्राणी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जोगिंदर। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। हाँ तो दोस्तों आज हम इसी बंदर के बारे में बात करेंगे। भैया जी बंदर नहीं जोगिंदर के बारे में, सुबह सुबह घूंट लगा ली क्या? अरे यार तू घूंट के बारे में किसी को मत बताया कर। हाँ तो दोस्तों आज हम इन्हीं जोगिंदर भाई साहब के बारे में बात करेंगे जो अच्छे अच्छे यूट्यूबरों से अपनी गालियों के साथ रोस्ट मरवा रहे हैं। नहीं वैसे तुमने क्या सोचा था? हाँ हाँ सब समझता हूँ मैं, हरामी हो बेटा। हाँ तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं जोगिंदर भाई साहब की दिलचस्प बातें। ये जितने भी यूट्यूबर जोगिंदर को रोस्ट मार रहे हैं यूट्यूब पे जाके, तुम्हें पता थारा भाई जोगिंदर कौन है? नहीं नहीं भाई हमें नहीं पता कि थारा भाई जोगिंदर कौन है, और ये जो वीडियो देख रहे हैं ना इनको भी नहीं पता कि थारा भाई जोगिंदर कौन है। अरे भाई जब तुझे कोई जानता ही नहीं है तो चिल्ला चिल्ला गर्म क्यों बता रहा है यार? ओ जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर जो जोगिंदर थारा भाई जो। वैसे यार जोगिंदर भाई साहब ये क्या है, लेकिन गलती से भी इधर मत मार लेना, फूल गए ना तो। हाँ तो देखा आपने, इसलिए बोल रहा हूँ यार जोगिंदर भाई साहब अब दोबारा ये गलती मत करना, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। हाँ तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, थारा भाई जोगिंदर जो इतने मोमोज खाएगा लाल चटनी के साथ, इतने मोमोज खाएगा किसी ने सोची ना होगी। हाँ तो दोस्तों थारा भाई जोगिंदर वह इंसान है जिसकी फेवरेट चीज है उसकी नाक। भाई आज मोमोज खाने का मन कर रहा है मेरा, मोमोज जो पांच मार मार कर अपने पूरे घर को गंदा कर दिया। बताओ यार ऐसा मैं नहीं बोल रहा, वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है, सुन लो। भाई जोगिंदर इतना चूरमा खा जाएगा रात को, इतना खतरनाक पाक देगा रिया के अंदर चूरमा खा के, घर वालों ने सोची नहीं होगी। जोगिंदर भाई साहब यार थोड़ा जोर कम लगा लो, वरना खाना खाने के बाद का तो पता ही नहीं पाद निकलेगा या नहीं, लेकिन शक्ल को देखते हुए तो अभी निकल जाएगा यार। सही पकड़े हैं। और भैया खाना तो आराम से बैठकर खा लिया करो यार, घर के बड़े बुजुर्गों ने नहीं सिखाया क्या कि खाना खाते समय बात नहीं किया करते? और यार इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मां खा जाएगा। और इतना ही नहीं यार, ये भाई साहब खाना खाने के बाद डायरेक्ट हगने की बात करते हैं। अरे यार भैया अगर आपका पेट खराब है तो किसी डॉक्टर को दिखाओ ना, या सोशल मीडिया पर क्यों बकचोदिया फैल रहे हो? जो जोगिंदर खराब आए जोगिंदर इन खेतों में इतना हग देगा, छुप छुप के इतना हग दूंगा इन खेतों में, खेत के मालिक ने सोची ना होगी। वैसे यार भैया जो आपने सोशल मीडिया पर हगने का और खेतों में हगने का ट्रेंड चला रखा है, इसको देखकर आपके घर वाले कुछ नहीं बोलते क्या? भाई घर वालों ने मारे मेरे घुसंडी घुसंड, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ तो सही किया ना यार, आपकी अजीब हरकतें देखकर तो आपको हर कोई घर से बाहर निकालेगा। और यार आपको बता दूं कि जोगिंदर भाई साहब अभी तगड़ी हेयर स्टाइल करवाने नाई के पास गए हुए हैं, देखो। और यार ये देखकर तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि जोगिंदर भाई साहब सोशल मीडिया पर हगने के साथ साथ चोरी भी। भाई नाई की दुकान पे गया था आज बाल कटवाने के लिए, वहाँ से कंघा उड़ा लाया चुपचाप, चल बस। और होय 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 जोगिंदर भाई साहब टिकटॉकर भी थे, लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आती कि इन टिकटॉकरों को इतना मजा क्यों आता है अपनी मरवाने में, रोस्ट मरवाने में।
दोस्तों अब जोगिंदर भाई साहब के बारे में इतनी जानकारी खूब है क्योंकि आपने भी वीडियोस देखकर अनुमान लगा लिया होगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और अब हम इन्हीं से मिलते जुलते कुछ इंस्टाग्राम के महान प्राणियों को और देख लेते हैं। देखो यहाँ भाई साहब को भक्ति का बहुत ज्यादा शौक है क्योंकि भगवान की पूजा जो करते हैं यार, और भगवान की पूजा तो मैं भी करता हूँ लेकिन पूजा करते टाइम मेरे में मिर्गी कभी नहीं आई। देखो राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अब बस भी करो यार भैया, गर्दन टूट कर नीचे गिर जाएगी। और यार मैं तो सोचता था कि दिल हम इंसानों का ही टूटता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, दिल जानवरों का भी टूटता है। देखो यहाँ बंदर भैया को इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। बात है बड़े चुपचाप से बैठे। और यार कई लोगों को तो घोड़े की सवारी करने में बहुत मजा आता है चाहे उनका घोड़ा कैसा भी हो, लेकिन वो अपने घोड़े को महाराणा प्रताप वाला चेतक समझते हैं, और समझते ही नहीं है यार, कभी कभी बना भी देते हैं। देखो नो 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 नो। हाँ तो दोस्तों मुझे पता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।